यहाँ पर आपको गिवन है कि पूरा नंबर नाइन से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है तो आपको मालूम यह करना है कि एक्स और वाई के कितनी पेयर्स बन सकते हैं मीन्स इसकी कितनी वैल्यूज हो सकती हैं। तो आप देखिए कोई भी नंबर नाइन से कम्पलीटली कब डिवाइड होता है जब सारे डिजिट्स का सम जो है वो नाइन से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए ठीक है तो आप ये देखिए सिक्स प्लस थ्री ये नाइन से डिवाइड हो जाएगा हटा दीजिए इसको ये क्या हो गया सेवन प्लस फोर इलेवन इलेवन प्लस टू थर्टीन थर्टीन को नाइन से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर आएगा फोर तो एक्स प्लस वाई प्लस फोर तो अब आप ये देखिए एक्स प्लस वाई की क्या क्या वैल्यूज रखें कि वो नाइन से डिवाइड हो जाए अगर आप इसे फाइव रख दें तो ये नाइन हो जाएगा नाइन से डिवाइड हो जाएगा सिमिलरली अगर आप इसे फोर्टीन रख दें तो ये एटीन हो जाएगा नाइन से डिवाइड हो जाएगा राइट right? अब फोर्टीन के बाद इससे ट्वेंटी थ्री भी रख सकते हैं लेकिन ट्वेंटी थ्री आप नहीं रखेंगे क्योंकि x और y की मैक्सिमम वैल्यू 99 हो सकती है तो ये 18 तक ही जा सकता है ठीक है तो यही दो केसेस पॉसिबल होंगे अब सिंपली आप ये देखिए कि जब दोनों सम दोनों का सम 5 है तो इसकी क्या क्या वैल्यू हो सकती है 05 या 50, ठीक है दूसरी हो सकती है 14, 41, 23, 32, राइट अब आइए अगर दोनों का सम 14 था तो क्या क्या वैल्यू हो सकती है सेवन सेवन इसको एक कम कर दीजिए सिक्स इधर एक बढ़ा दीजिए या फिर फाइव नाइन या फिर फोर टेन तो देखिए ये तो नहीं हो सकता क्योंकि क्या है x और y डिजिट्स हैं तो एक ही सिंगल नंबर होगा उसको पलट के भी तो लिख सकते हैं x जो है वो एट भी हो सकता है और y सिक्स सिमिलरली x नाइन हो सकता है y फाइव तो ये कितनी वैल्यूज़ हो गई वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन करेक्ट आंसर इज डी एन इट्स सिंपल